My dear friend of class KG2, Assalamualaikum. How are you? I hope you all healthy and safe. Today we will start from new number concept series workbook. आज हम आपकी मैथ की न्यू वर्कबुक्स बुक का काम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, जो कि आपको पेज नंबर 1 यूनिट 1 पेज नंबर 1 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बुक की तरफ देखिए। Fill in the missing number 1 to 50. आपने नंबर्स पढ़े होंगे, काउंटिंग पढ़ी होंगी, ठीक है, KG1 क्लास में। लेकिन अब इधर जो है, जो वर्कशीट है, जो वर्कबुक का पेज नंबर 1 है, यूनिट 1 पेज नंबर 1, उसमें हमने गैप्स को फिल करना है। मसलन 1 के बाद देखें बॉक्सेस खाली है, सेकंड बॉक्सेस खाली है, थर्ड बॉक्सेस खाली है, लेकिन 4 लिखा हुआ है। इसी तरह जो बॉक्सेस खाली है नंबर के 1 से लेके 50 तक, जो भी बॉक्सेस खाली है इनको हमने काउंटिंग के साथ, नंबर के साथ सीक्वेंस में फिल करना है। 1 के बाद काउंटिंग नंबर्स आपको आता हो। 2 बॉक्स में क्या लिखेंगे, 2 के बाद नेक्स्ट बॉक्स खाली है, 2 के बाद क्या आता है बच्चों, 3 नंबर इज 3। 4 लिखा हुआ है, हम नहीं लिखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे सीक्वेंस के हिसाब से। 4 के बाद 5, नेक्स्ट नंबर 5 के बाद 6, 7 लिखा हुआ है, 7 भी लिखने की जरूरत नहीं है। 7 के बाद बॉक्स खाली है, इस बॉक्स पे हम लिखेंगे आफ्टर नंबर 7 इज 8, आफ्टर नंबर 8 इज 9 के बाद 10। देखिए एक हमारी लाइन 1 टू 10 पूरी फिल हो गई है। अब हम इस नंबर को पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद आगे काउंटिंग बढ़ेगी, बॉक्स है हमारा 10 के बाद अगला नंबर 11, द नेक्स्ट नंबर इज 11, 11 के बाद आफ्टर नंबर इज 12, 13 लिखा हुआ है, 13 हम लिखेंगे, नेक्स्ट बॉक्स फिल करेंगे, 13 का नेक्स्ट नंबर आफ्टर नंबर 14, 14 के बाद आफ्टर नंबर 15, 15 के बाद नेक्स्ट नंबर 16, 17 लिखा हुआ है। इसी तरह हम 17 से आगे पढ़ेंगे, 17 का आफ्टर नंबर इज 18। प्यारे बच्चों हमेशा याद रखिए कि जब हम फिल इन द मिसिंग नंबर करते हैं, क्योंकि सीक्वेंस के हिसाब से होता है, उसमें नंबर का बाद वाला नंबर लिखते हैं, आफ्टर नंबर लिखते हैं। जैसे 17 के बाद क्या आएगा, 18, 18 के बाद आफ्टर नंबर इज 19, 19, 19, 20 लिखा हुआ है, 20 के बाद हम आगे बढ़ेंगे 21, सीक्वेंस आगे बढ़ते रहेंगे। 21 के बाद नेक्स्ट नंबर इज 22, 23 लिखा हुआ है, 23 से आगे बढ़ेंगे 24, नेक्स्ट नंबर इज 25, नेक्स्ट नंबर इज 26, 27 नंबर बॉक्स में लिखा हुआ है, इससे आगे बढ़ेंगे 27 के
बढ़ेंगे आफ्टर नंबर 30। अब तक हमने 1 से लेकर 30 तक मुकम्मल कर लिए। इसको दोबारा रीड कर लेते हैं। 1 से 30 तक हमने कर लिए। अब हम 30 से आगे बढ़ेंगे। 30 के बाद आफ्टर नंबर इज 31। 32 बॉक्स में फिल हुआ है, आगे बढ़ेंगे, आफ्टर नंबर लिखेंगे 33। 34 लिखा हुआ है, आगे बढ़ेंगे, बॉक्स फिल हुआ है 35। नेक्स्ट नंबर इज 36। 37 फिल हुआ है, इसको लिखने की नीड नहीं है हमें। हम आगे बढ़ेंगे, 37 का आफ्टर नंबर लिखेंगे 38। 38 के बाद आफ्टर नंबर इज 39। आप देखें 31 से 40 तक हमने फिल कर लिए, इसको रीड करते हैं। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। 1 से 40 तक हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम नेक्स्ट नंबर 40 के बाद 41, आफ्टर नंबर इज 41, 41 लिखा। अब देखें 42 फिल हुआ है, बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ेंगे 43। द नेक्स्ट नंबर इज 44, द नेक्स्ट नंबर इज 45, 45 लिखा हुआ है, बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बॉक्स जो खाली है उसको फिल करेंगे 46, 47, 48, लिखा हुआ है 48, नेक्स्ट बॉक्स की तरफ जाएंगे 49, एंड द लास्ट नंबर इज हमारी फरिंदा मिसिंग क्या थी, 1 to 50, 1 से शुरू की हमने और एंड किस में करें 50। ये देखें फरिंदा मिसिंग नंबर हमने कंप्लीट कर लिए 1 से 50 तक। आप इसको एक बार पढ़िए, जितनी बार आप काउंटिंग पढ़ेंगे बार बार उतनी जल्दी आपको लर्न हो जाएगी। चलिए एक दफा हम पढ़ लेते हैं। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। यूनिट 1 पेज नंबर 1 मिसिंग नंबर हमने कंप्लीट कर लिए। आप लोग भी अपनी नंबर कॉन्सेप्ट सीरीज बुक में पेज नंबर 1 को फिल कर लीजिएगा।